अच्छा चल रहा है और आज के प्यार पार्टी में जो यहाँ हमारे अमरावती ही नहीं तो शायद विदर्भ की सबसे बड़ी इमरजेंस है की तरफ से जो हमारे खिदमत में जो आज प्यार पार्टी में डेलीगेसी सामने हमारे लिए रखी गई आप सबके लिए और सबसे बड़ा ये इतनी बड़ी खुशी जिस पे मुझे बिठाया गया ज्यादा ही बड़ी हो गई है। तो जब मैं हम पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके पार्टी में आए हैं तो ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम सब एक हैं तो खुशी भी एक जैसी होनी चाहिए थी मेरी खुशी थोड़ी अलग हो गई खैर इससे गलत संदेश न जाए बाकी पुलिस प्रशासन एक जैसा ही दिख रहा है आपके बीच में तो हमारा आपकी इख्तियार पार्टी की पहले तो इख्तियार पार्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे इस बहाने से मुलाकात हुई बात करने का मौका मिला क्योंकि पिछले 3 साल से 2019 के बाद बड़ी इख्तियार पार्टी या बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं हुआ 2020 में नहीं हुआ 21 में नहीं हुआ इसलिए 22 में 3 साल के गैप पड़ गया और 3 साल बाद हम सब एक साथ मिल रहे हैं फिर से पुलिस प्रशासन और सर पुलिस प्रशासन ही नहीं तो यहाँ हमारे तहसीलदार साहब और मनपा के उपायुक्त मतलब पूरा का पूरा जिला प्रशासन आपको यहाँ दिख रहा है जो इख्तियार पार्टी में शामिल हुआ है और इस मौके पे मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम सब मिलकर अमरावती शहर जो कि हमेशा से एक शांतिप्रिय शहर रहा है इसकी शांति में इसकी शांति सौहार्द सद्भावना को हम मिलकर और बढ़ाएं और जैसा कि अभी मौलाना मुफ्ती फिरोज साहब ने बोला बहुत ही सुंदर शब्दों ने उन्होंने बयान किया ये कुछ समाज कंटक थे जिनके बहकाव में आकर नादान लोगों ने कुछ नादानियां कर डाली तो जो असामाजिक तत्व है वो तो यही चाहते हैं कि झगड़ा लगाए और झगड़ा लगा के वो दूसरे तमाशा देखते हैं और जो बेगुनाह लोग हैं वो तमाशे में शामिल हो जाते हैं और बाद में उसका परिणाम उनको ही भुगतना पड़ता है तो ऐसा ही कुछ हुआ लोग आग लगा के तमाशा देख रहे थे और देखना लोग कुछ नादानी कर बैठे पर ऐसा दोबारा नहीं होगा ये मुझे पूरी तरीके से यकीन है क्योंकि आप हम इसी तरह से मिलकर अगर शांति का संदेश शहर में ही नहीं पूरे जिले में ही पूरे राज्य में और देश में देंगे और एक दूसरे के बीच इसी तरह से अगर हमारी और मीटिंग्स होती रही तो इंशाल्लाह जो भी अगर गैप समझ जाए कुछ मिसकम्युनिकेशन है तो वो दूर हो जाएगा और ऐसी नादानियाँ दोबारा नहीं होगी यही रीज़न है आज इख्तियार पार्टी के माध्यम से ही मैं आपको ये बोल रही हूँ हमारा पूरा पुलिस प्रशासन और आपको यहाँ दिख रहा है हमारे डीसीपी साहब हैं एसीपी साहब हैं हमारे शहर के सभी बड़े सीनियर पुलिस निरीक्षक सभी यहाँ पे हैं और हम और आप मिलकर जिस तरह से अप्रैल महीने के पहले 2 हफ्ते में बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हुए यहाँ और 2019 के बाद 3 साल के गैप के बाद पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह से बड़े बड़े जयंतियाँ हुई पर उस जयंती में जिस तरह से HUPM हेल्पलाइन की मदद से समाज ने यानी विशेष आपके समुदाय ने जिस तरह से हमें मदद की वो ऐतिहासिक है बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले नमाज के टाइम पे निकले मस्जिद के पास से निकले पर शहर में बहुत अच्छा
ऐसा सुना हुआ है कि ऐसी जयंतियों में रैलियों में हम फूल का अभी फूल की वर्षा करें, तो अगली बार इंशाल्लाह अगली बार हम ये जरूर करेंगे। और अमरावती का नाम इसके बाद इस तरह से कभी खराब नहीं होने देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं, बच्चे काफी ज्यादा संख्या में मुझे दिख रहे हैं, तो इन बच्चों को तो मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सबको ये छोटी छोटी चीजों से सीख लेनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे होना चाहिए और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। अभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल रहता है खुद का, बीपी बदलती रोज बदली जाती है, और अपना ध्यान डीपी पर व्हाट्सएप मैसेजेस पर न रखते हुए पढ़ाई पे रखें। ये आपकी पढ़ने की उम्र है और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, दवा करना है आप सबको। और आखिरी में यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से बच्चों के हाथों में मोबाइल है और जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने के लिए करते हैं, तो ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें। आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी न्यूज आती है, कोई भी मैसेज आता है, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाएं, सलाह मशवरा करें और उनके थ्रू पुलिस स्टेशन में आए, पर खुद से आप वो मैसेज देके, युवा वर्ग है खुद गर्व होता ही है, लेकिन जोश में होश न खोए और ऐसे कोई रूमर्स आए तो तुरंत अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से पुलिस स्टेशन को बताएं। और हमारा पुलिस स्टेशन आपके सहयोग के लिए बैठा है, शहर में अमन और शांति कायम करने के लिए ही है और 24 घंटे है, तो आपका और हमारा सहयोग ऐसे ही रहा, तो आगे भी ऐसे ही हम शांति मेंटेन करेंगे और इसी तरह इफ्तार पार्टी में एक दूसरे को बधाई देंगे। चलिए, आपके नमाज का टाइम हो गया इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फिर से आप सबको ईद मुबारक। हाँ, आने वाली मुबारक इन एडवांस आप सबको ईद मुबारक और रमजान मुबारक। चलिए, रमजान।